चले ऊपर हैं, इधर देखो। नहीं भाई देखना ही नहीं है, देखो अंदर कौन आया आज। हाजिरी है, हाजिरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज हमारे साथ जो है वानिया छत पर आ गई हैं, और माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई ना यार ये। इसको शायद आपने हमने पहले नहीं दिखाया ना, मैंने इसे ब्लॉग नहीं, नहीं नहीं दिखाया है, एक शॉर्ट बना हुआ उसके अंदर ये आई थी। तो भाई की बेटी है ये हमारे, कशान की बहन। कशान जो है वो सो रहे हैं, ये उठी हुई थी और ये ज़बरदस्ती में ऊपर आ रहा था, तो मेरे साथ लगकर आई हैं ये छत के ऊपर सेटअप पे। खैर हमजा जो है वो खाना बना रहा है, बस उनका खाना बन जाए। और यार दाना नहीं डाल रही क्या, वो नीचे पड़ा हुआ है दाना, वो भारी देखा है कितना है उसका वजन, इतना हो रहा है। मैं मेरी हालत लग रही है, मैं लेकर आऊंगा, इतना भारी हो रहा है दोस्तों। अच्छा और मेरा क्या, कोई आम एक बंदा नहीं उठा सकता, अच्छा खासा भारी वेट है वो। खैर ये देखें दोस्तों, ये एक और चीज़ हम लेकर आए, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या चीज़ है। पहले मैं काम करता हूँ थोड़ा, वानियों को इधर घुमा फिरा के ये ऊपर आई है देखने, तो सेटअप दिखा दूँ थोड़ा इनको, और फिर मैं इसको नीचे छोड़ कर आगे ना छोटी को फिर आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि अभी मैं कर नहीं पाऊँगा बात वगैरह, ये सारे के सारे हैं यार। ये अंडे खा रहे हैं क्या, अरे अभी अभी नज़र पड़ी मेरी, ये देखें हम ये फिर खा गए अंडा, ये अभी खाया है क्या यार, छिलका पड़ा हुआ ये देखें। काफ़ी दिनों से हमदा मुझे यही बता रहा है कि अंडे खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, पता नहीं क्यों अंडे खा रही हैं यार ये हमारी मुर्गी। एक ये खा रही है और एक तीतर ने भी खाया है, ये बता रहा था तीतर ने भी खाया, एक इस तीतर ने खा लिया है और एक हमदा और किसने खाया, कंदारी ये रही, एक इस कंदारी ने खाया हमारा, यही खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं यार अंडे, पता नहीं। और अंडे भी दोस्तों फर्टाइल आ रहे हैं हमारे अच्छे खासे, काफ़ी अंडे तो क्या कर सकते हैं। तो यार ये नीचे जाने का नाम नहीं ले रही हैं हमारी जो छोटी हैं, रो रही हैं, मैं इनको नीचे ले आ रहा था। खैर ये देखें, मैं एक चीज़ दिखाऊं तुम लोगों को, ये देखें ये देखें ये देखें, वो हमारा थाई और ये जो हम वाइट वाला मुर्गा लाए थे, काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ लड़े जा रहे हैं हमजा से, मैंने पूछा बोला भाई वो ऐसे ही कर रहे हैं डेली का, लेकिन अगर ये कार्डबोर्ड टूट गया ना तो ये दोनों मिलेंगे हमारे को, ये मानोगे हमजा, अगर ये गलती से भी टूट गया ना है यकीन मानो ये बचेंगे नहीं, एक ना एक को कोई ना कोई ख़त्म कर देगा। कार्डबोर्ड 20 से आधा हो रहा है, ये देखें 20 से ये आधा हो रहा है, दिख रही होगी आपको लाइन, और ये इतने है ना, इसने करा होगा ज़रूर, उसमें इतनी वो नहीं है बेचारे में थाई में, वो फिर भी इतना शरीफ है दोस्तों हमारा, ये देखें सीधा खड़ा हुआ है। ये जो है ना इतना मारेगा ना तुम्हें याद रखोगे तुम, समझे कॉक के बच्चे, उसका साइज देखो। ये क्या कर रहे हो, ऐसे मिक्स हो जाएगा। क्या क्या लाके डाला है इस पर दिखाना। तो दोस्तों हम ये लेकर आ गए थे इनका दाना पानी सारा, इसमें था इसमें हमने गंदुम भी डाली है, गंदुम गंदुम एक्स्ट्रा डाली है थोड़ी ताकत के लिए, गर्मियाँ भी आ गई हैं मुझे पता, सोच रहे होगे गर्मियों में गंदुम चल जाती है, ज़्यादा नहीं डाली है, इतने सारे दाने में ना सिर्फ ये लगा लो, कितनी डली होगी 2 किलो है ना, 2 किलो डली होगी, और दाना कितना था 20 किलो दाने में 2 किलो डाली है, आराम से हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। खैर दोस्तों छोटी वाली को नीचे छोड़ कर आया हूँ, भाई बहुत परेशान कर रही थी। अब मैं तुम लोगों को पहले ये बता दूं दोस्तों कि ये हम किस लिए लाए, जब तक हमजा इनका दाना मिक्स कर रहा है उनको खाना पीना डालना शुरू करते हैं। हाँ दाना पानी चलो भाई पहले खाना डाल देते हैं सबको, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस काम के लिए आए हैं, डिले ही होता जा रहा है बताने में। सारे प्याले लग रहे हैं, 3 प्याले आ गए हमारे, तीनों फैंसी मुर्गा मुर्गी के, भाई ये तीनों को डाल लो, आ जाओ भाई आराम से आराम से आराम से आराम से, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। कभी कभी मेरे साथ ऐसा सीन होता है, ये देख रहे हैं आप, ये मैं रख के भूल जाता हूँ, काफ़ी टाइम बाद मेरे को याद आता है कि मैंने कहाँ रखा है। तो यार मिश्री हमने खोल दिए दोस्तों, और हमदा उनको दाना कर रहा है, अरे यहाँ नहीं उधर आ जाओ। और एक चीज़ मेरी अभी अभी नज़र पड़ी है, ये देखो यार हमारे कितने अंडे ख़राब जा रहे हैं, ये देखें हमने 4 अंडे खराब है ना, ये भी और बाकी कितने खराब हैं यार, पता नहीं कितने अंडे हमारे जाया हो चुके हैं कसम से। तो यार सबको हमने दाना पानी डाल दिया है, अब मैं तुम लोगों को बताता चलूं कि ये किस काम के लिए आया, देख रहे हो बड़े बड़े शटर, ये अच्छे खासे बड़े हैं, एक ये मिला है एक ये मिला है,
वैसे तो एक का काम था लेकिन भाई ने दोनों उठा लिया। अब वो बोल रहे हैं एक दे दूंगा, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ कि एक रख लो, काम आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। खैर दोनों शटर मिल गए, और यार नए शटर जो है ना वो तुम्हें पता है लेना वो बहुत मतलब कभी तोड़ने में काम आए ना तो बेकार हो जाते हैं फिर, वो मतलब पैसे ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए हमने सेकेंड हैंड उठा लिया है और सेकेंड हैंड काम आ जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो भी सही है। और ये शटर आप लोग समझ गए वो शायद मेरी बात, ये शटर इस तरफ लगेगा यूँ यूँ करके जैसे भी लगेगा। वो भाई से मैंने पूछा था तो मैंने उनको बोला था किस तरीके से लगवाएं आप बताएं, वो बोलने के वो यूँ लगेगा, और मैंने भी उनको यूँ ही बोला है कि यूँ लगे। और इस तरफ जो है दीवार खड़ी करने का मैंने बोला था, पर वो बोल रहे हैं दीवार नहीं क्योंकि परमानेंट काम नहीं है, लकड़ी के फ्रेम के साथ कुछ यहाँ पे खड़ा करा देंगे। अब देखें काम कब तक होता है। हमदा ये लो भाई, ये चीज़ें ले आया हूँ, ये तुम कीले बोल रहे हो देखो इतनी बड़ी, और वो नहीं लाया। हाँ लिया, कैसे टेप नहीं लाया, टेप ला रहा हूँ, मुझे आवाज़ नहीं आई थी टेप की, तो अभी लगा रहे हो ये। चलो यार मुझे लग रहा था दोस्तों कि शायद कल परसों में लगाएं, लेकिन ये अभी लगाने का बोल रहा है, चलें अभी फिट कर देते हैं। फिलहाल तो एक फिट होगा, मैं समझ नहीं आ रहा तुम कैसे लगाओगे ये, मेरे ज़रा भी समझ नहीं आ रहा। खैर ये लगाएंगे, देखते हैं इनका क्या दिमाग चल रहा है, लेकिन आज ही फिट होगा ये, थोड़ा सा ब्लॉग लंबा होगा। क्या लाना है? टेप, टेप आरी का ब्लेड, कौन सा लगा वो आरी का ब्लेड, यार आरी पड़ी होगी। चलो देखता हूँ मैं चीजें लाके दूंगा ले। तो यार हमजा जो है दोस्तों बांस काट रहा है ये, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने जो है कहाँ तक लगा दिया है वो, और किस तरीके से लगना था इनका जो आइडिया था वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें कुछ इस तरीके से लगवाया अथर भाई ने, वो बोल रहे थे कि इसको ऐसे लगा के, अब ये आप लोगों को ऐसे नज़र आ रहा होगा नीचे की तरफ, पर ये ढलान जो है ना ये यूँ जाएगी, ये उस तरफ उठेगा। अब ये जो दो बांस काट रहे हैं ना, एक बांस यहाँ ठुकेगा और एक बांस इसके साथ खड़ा होगा सपोर्ट में इसकी, तो ये यूँ के इस तरफ चले जाएगा। तो ये हमारा तकरीबन ना एक नॉर्मल सा मिनी बजट में आराम से बन जाएगा। बाकी हमें एक चीज़ की प्रॉब्लम हो रही थी, ये देखें ये जो जगह दिख रही है ना आपको, एक खाली जा रही है पानी के लिए, तो इधर हम ऊपर एक काम करेंगे, कोई ना कोई चीज़ ऐसे यूँ लगाएंगे कि पानी इस पर गिरे और ये पानी सारा उस तरफ गिरे बाहर की तरफ, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अब इसके अंदर ना हम बकरा वगैरह जो भी ला सकते हैं पाल सकते हैं, जो भी हल्की फुल्की चीज़, और कोई भी मतलब मुर्गा मुर्गी अगर, बाकी मैंने करा तो रैबिट के लिए था पर बन कुछ और ही गया भाई ये। अभी देखते हैं मैं ये पूरा हो जाए काम, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हुआ और कितना ठुकता है, मतलब वो काम कितना होता है, तो सारा दिखाता हूँ। हो गया है पूरा। चलो यार अब इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे। तो यार दोस्तों पूरा कमरा जो है ना वो तैयार हो गया है भाई, इसको दूर रखा कर यार हमदा, ये खुर मारता है। चलो खुश, ये देखें माशाल्लाह से पूरा कमरा तैयार हो गया है, ये जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छी शक्ल दिखा रहा है। ढलान मैंने आपको बोली थी वहाँ रखी है, हल्की फुल्की रखी है, अथर भाई बोल लेते अगर ज़्यादा रखेंगे ना वहाँ किलो से अटका हुआ है। अंदर जाके दिखाऊँ भाई, ये कि हम ऊपर नहीं हो सकते, इसके ऊपर होंगे तो ये सर पे लगेगा। ये देखें एक इधर कील से अटकाए हैं, एक इधर अटकाया है, बहुत अच्छा हो गया। नीचे इधर आराम से कुछ भी लाके पाल सकते हैं हम, मुर्गा मुर्गी तो वैसे ही पल लें, जैसे एक हिसाब से मेरे हिसाब से तो ये बकरे की जगह भी हो गई, अभी है नहीं कोई मूड, लेकिन आराम से बकरा भी इधर पल सकता है क्योंकि इतनी बड़ी गुंजाइश है यहाँ पे। बाकी हमारे रैबिट थे, लेकिन इसके अंदर अभी एक और चीज़ है वो मैं तुम लोगों को कल दिखाऊंगा, बाहर से कुछ ऐसी शक्ल दे रहा है, ये देखें बहुत बेहतरीन हो गया। अभी इसमें दो काम हो रहे हैं, यहाँ से ढकेंगे हम इसको और फ्रंट से भी ढकेंगे, फ्रंट से कुछ कर देंगे वहाँ पे पर्दा लगा देंगे, काम हमारा पूरा हो जाएगा, ये फर्स्ट क्लास हो गया, पूरा एक कमरा तैयार हो गया हमारा, पूरेगा पूरा, अब बेस्ट हो गया है काम। तो बस दोस्तों यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। देर हो गई यार आज बहुत, और अभी भी कुछ रहते ही हैं, देखें खाने पीने के लिए कुछ रह गए हैं, इनको खिलाएं पिलाएं हम, सिर्फ इसके चक्कर में देर हो गई आज हमें कमरा बनाने में।